तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू सेंड द पुट रिक्वेस्ट फॉर द एपीआई। देखिए पहले यहाँ पे होम फ्रैगमेंट में जैसे ही बटन क्लिक करते हो, कोई भी एंट्री करते हो, तो एंट्री करने के बाद B1 को क्लिक करते हो, जो बटन है गेट फीडबैक का, उसको क्लिक करते ही कॉल जाता है चेक कम्युनिकेशन को। ये चेक कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पे देखिए चेक कम्युनिकेशन। तो चेक कम्युनिकेशन आपको सर्वर में मिल जाएगा, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। तो चेक कम्युनिकेशन में यहाँ पे गेट पोस्ट को कॉल जाता है, फिर जो रिक्वेस्ट आई है, जो इनपुट आया है, फिर जो यूज़र एंट्री कर रहा है, जो क्वेश्चन और वो आंसर एंटर कर रहा है, वो एक यूज़र कंसर्न टेबल में जाता है। फिर ये एग्जीक्यूट होता है और ये वाला जो चीज़ है सिर्फ डेटा एंट्री कर रहा है। फिर हम गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम रिक्वेस्ट को कॉल देते हैं, गेट रिस्पॉन्स ऑफ रिक्वेस्ट। तो गेट रिस्पॉन्स ऑफ रिक्वेस्ट को जैसे ही कॉल गया, यहाँ पे देखिए जो इनपुट है उसको आर इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पुट, ये आपका एपीआई है। तो ये एपीआई को कॉल किया गया है और वो एपीआई को डेटा ऐसे इनपुट में पेश दिया गया, फिर वो जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है। वो जो डेटा आता है जेसन फॉर्मेट में, तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रिजल्ट में आएगा। तो जो डेटा रिजल्ट में आया है उसे यहाँ पे इटरेट किया गया है, रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग यूज़र इनपुट, फिर रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, फिर सेंटेंस ज़ीरो डेटा इन्फो में सेंटेंस ज़ीरो, सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, इस तरीके से इटरेट किया गया। फिर रिस्पॉन्स लिस्ट ली गई, उसमें से रिस्पॉन्स स्ट्रिंग लिया गया, जो रिस्पॉन्स स्ट्रिंग है उसे एंट्री किया गया। फिर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, और अगर कोई भी डेटा नहीं आया तो यहाँ पे लुक्स गुड ऐड करेंगे और वो डिस्प्ले कर देंगे। तो इस तरीके से ये Q1 आपका हमने पुट रिक्वेस्ट सेंड किया। वेयर इज़ द कोड दैट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एपीआई, लोकेशन ऑफ द कोड इन एंड्रॉयड। तो ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ये यहाँ पे ही है, जो रिस्पॉन्स आता है ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट होम फ्रैगमेंट में लाइन नंबर जो है 385 से लेके 385 से लेके 406 तक, ये सब एक्सट्रैक्शन का पार्ट है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपका डेटा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ, हाउ डिड यू कनेक्ट द डेटाबेस विथ हेरोकू। ये देखिए आपका जो भी एड्रेस है, अभी यहाँ पे DB कनेक्शन है, पाई MySQL करके लाइब्रेरी है पाइथन का, पाई MySQL में कनेक्शन इज इक्वल टू पाई MySQL डॉट कनेक्ट, होस्ट का नाम जो देना है, फिर यूज़र का नाम देना है, फिर पासवर्ड देना है, फिर डेटाबेस का नाम देना है, ये आपका कनेक्शन का काम कर देता है डेटाबेस के साथ। ठीक है, थर्ड हुआ, हाउ डिड यू क्रिएट एडमिन पैनल एंड कनेक्टेड इट विथ एंड्रॉयड। तो एडमिन पोर्टल जो है वो एंड्रॉयड के साथ कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है जो चीज़ वो है सर्वर, और एडमिन पैनल जो है वो भी सर्वर के साथ कनेक्टेड है। एडमिन पैनल भी एक एप्लीकेशन है और आपका एंड्रॉयड ऐप भी एक एप्लीकेशन है। आप देख सकते हो जैसे ही मैं डेटाबेस में जाता हूँ तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा डेटा मिल जाएगा। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड हमने डाला हुआ है, फिर हमने क्या किया है, एडमिन पैनल बनाया जिसके टेम्पलेट्स फाइल जिसमें यूज़र नेम वगैरह सब रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा दूंगा मैं आपको, यहाँ पे पाइथन कोड में टेम्पलेट्स फोल्डर होता है, यहाँ पे ये ऐड अपडेट डिलीट वाला व्यू कंसर्न होम व्यू फीडबैक, ये HTML पेजेस बनाए हुए हैं। फिर ये स्टैटिक में इमेजेस रहता है, जो आप ये इमेज देख पा रहे हो वो है। फिर CSS में स्टाइल शीट्स रहेगा, जावास्क्रिप्ट में सब जेक्वेरी का जावास्क्रिप्ट यहाँ पे पुट किया गया है। तो ऐप डॉट पाई में जो सर्वर साइड है वहाँ से एडमिन पैनल कनेक्ट होता है सर्वर को, एडमिन पैनल सर्वर को कनेक्ट होगा, सर्वर इंटरनली कनेक्टेड है डेटाबेस के साथ। तो इस तरीके से ये चलता है पूरा। हाउ डिड यू क्रिएट दिस सर्वर, तो सर्वर जो होता है वो फ्लास्क में बिल्ट इन हम लोग कर देते हैं। फ्लास्क अगर इम्पोर्ट करोगे तो फ्लास्क में ये सिंटैक्स होता है उसका, ऐप इज़ इक्वल टू फ्लास्क नेम, ये इतना लिखना पड़ता है, ये लाइन लिखना पड़ता है, ये लाइन लिखना पड़ता है, फिर हमें ये ऐप डॉट ये लाइन लिखना पड़ता है, फिर एक स्लैश को, किसी भी स्लैश को आप रिडायरेक्ट कर सकते हो होम डॉट HTML और इंडेक्स डॉट HTML को, एक फंक्शन उतना लिखोगे तो पूरा सर्वर क्रिएट हो गया। ये फ्लास्क है, फ्लास्क का बिल्ट इन फ्रेमवर्क है,
इस तरीके से हम उसे कॉल करते हैं। हाउ डिड यू यूज़ हेरोकू फॉर होस्टिंग द ऐप? तो क्या करना है अभी इसमें कि अभी तीन चार कमांड मैंने बता दिया था आपको कि पहले ओपन टर्मिनल करना है। ओपन टर्मिनल के बाद पाइथन कोड जहाँ पे रखा है आपका कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे आना है सी डी। अगर समझ लीजिए सी ड्राइव से अलग है तो ये पहली बार ऐसा करना पड़ेगा, ये वो पाथ तक जाना है, फिर गिट ऐड डॉट ये करना है, कुछ चेंजेस करना है तो ही। अगर चेंजेस नहीं करने हैं तो ये करने का ज़रूरत नहीं है। गिट कमिट माइनस एम टी वन, तो यहाँ पे गिट पुश हेरोकू मास्टर, अगर ये करता हूँ तो ये अपलोड हो रहा है हेरोकू पे। तो ये तीन कमांड ऐड करने पड़ते हैं, गेट ऐड हो जाता है और वर्किंग हो जाता है। वाई एनाकोंडा एंड वाई स्पाइडर? एनाकोंडा जो है वो एक तरीके का एप्लीकेशन है जिसमें ये सब एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो हमें अगर जुपिटर नोटबुक यूज़ करना है तो कर सकते हैं, स्पाइडर यूज़ करना है तो कर सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन पाईचार्म में भी डेवलप किया जाता है, ये सब लिखने के लिए आईडी है, मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जैसे एक्लिप्स होता है वैसे ही ये स्पाइडर सॉफ्टवेयर है। एनाकोंडा में बिल्ट इन हो जाता है, एनवायरनमेंट सेट करना इजी हो जाता है, जो भी हमें फ्रेमवर्क चाहिए उस तरीके से एनवायरनमेंट सेटिंग कर सकते हैं। जैसे डिलीप का लाइब्रेरी है तो डिलीप के लिए अलग, डेंगो के लिए अलग, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें यूज़ करने के लिए आसानी होती है, इसीलिए स्पाइडर और एनाकोंडा यूज़ किया। वॉट इज़ द कोड दैट यू हैव एडेड इन स्पाइडर पाइथन? क्या ऐड किया है? सब प्रोजेक्ट वाले ही चीज़ ऐड किया है, जितना भी ऐड किया है ये सब चीज़ें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले रहा है, जैसे ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ये आपको लॉग इन एडमिन कर रहा है, ये चीज़ आपको कम्युनिकेशन चेक कर रहा है, इनपुट ले रहा है, लोड एडमिन डेटा कर रहा है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडेड है। ये आईडी ही है, स्पाइडर कोई अलग चीज़ नहीं है, जस्ट आईडी ही है। वो आईडी में हम कोडिंग करते हैं, बस इतना ही है। फिर यहाँ पे आपने लिखा है व्हाट इज़ दैट कोड दैट यू, हाउ डिड यू वॉइस यूज़ द वॉइस इनपुट एंड कनेक्टेड विद गूगल? तो यहाँ पे आप देख सकते हो